अवैध बालू उठाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश सदस्य सह इंटक प्रदेश सचिव दिलीप तिर्की बराबर आवाज उठाते रहे हैं, साथ ही प्रशासन से इसके बारे में लगातार बातचीत भी करते रहे हैं। दिलीप ने आज संघाट का दौरा कर देखा कि किस प्रकार एक एक कर सैकड़ों ट्रैक्टर प्रतिदिन बालू की अवैध ढुलाई धड़ल्ले से कर रहे हैं। इस अवैध उठाव से सरकार की राजस्व की जबरदस्त क्षति हो रही, उठाव की मात्रा ज़्यादा होने से पर्यावरण पर भी बुरा असर हो रहा, जिस पर कार्यवाही नहीं करने से अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन का तस्करों को सह मिला है। दिलीप ने कई बार और आज भी उपायुक्त महोदया से बातचीत के संदर्भ और लिखित रूप से भी गर्जा रोड, खूटी टोली रोड और कसदेगा रोड में प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगाने के लिए कहा है। हमारा ये जो जिला है बड़ा छोटा सा जिला है और इस जिले में कई तरह के अलग अलग कारनामे लोगों के द्वारा हो रहे हैं, उसमें से ये जो अवैध बालू उठाव का जो मामला है ये बहुत ही प्रथम में आता है। हमारे जिले में देखिए तीन मुख्य द्वार हैं जिले के अंदर आने प्रवेश करने के, पहला आपका गर्जा का है, दूसरा आपका खूटी टोली है और तीसरा कसदेगा है। इसके अलावा छोटे छोटे कई एक रास्ते हैं, लेकिन ये जो मुख्य द्वार हैं ये सारे के सारे समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालय, अंचल कार्यालय, इन सारे कार्यालयों को ये सीधे सीधे रास्ते हैं। इसके अंतर्गत बीच में ही बालू माफियाओं का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि इन ऑफिस को पार करके समाहरणालय, उपायुक्त महोदया के कार्यालय को पार करके जो है कि लोग यहाँ पर बालू तस्करी करके यहाँ पर पूरे शहर में बालू सप्लाई कर रहे हैं। अब प्रशासन के आँख के नीचे, नाक के नीचे जो है कि इस तरह से कृत्य हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें प्रशासन की मिलीभगत है और इस मुझे लगता है कि अब किस तरह से उनको मिली हुई है या फिर किस तरह से उनका साथ दे रही है ये तो खैर प्रशासन की अपनी एक बात है, लेकिन यहाँ पर अवैध बालू का कारोबार प्रशासन। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।